मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी दोनों का है, देन मैट्रिक्स ए इज, देन ए इज कैसा होगा ए? तो उसमें ऑप्शन है ये क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन है। तो देखो इसको, तो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये क्या है यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, एक इक्वल होगा क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। हाँ ये क्या है, सिमेट्रिक है अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, ठीक है ये बात हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक। इसी तरह से ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ मैट्रिक्स से, ये इक्वेशन 2 हो गई क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक भी है हमारे पास, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। दोनों इक्वेशन से दोनों ही ए के ट्रांसपोज के बराबर है, ए भी और माइनस ए भी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और माइनस ए क्या है, ए और माइनस ए इक्वल, ठीक है। ये फ्रॉम वन एंड टू फर्स्ट और सेकेंड से ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ए इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब इसको इधर लाए टू टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, ए प्लस ए, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये कितना हो गया ए और माइनस आए इधर क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू कितना जीरो नहीं ओ नल मैट्रिक्स, अगर उधर इस तरह से जीरो आता है इक्वेशन में तो मैट्रिक्स इक्वेशन में वो क्या आता है, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक। यानी कि ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गया नल मैट्रिक्स हो गया, और टू से इधर नल टू अपॉन जीरो क्या होता है, अगर ट्वाइस ऑफ नल मैट्रिक्स क्या है जीरो है तो केवल मैट्रिक्स को देखेंगे तो वो भी क्या होगी जीरो होगी, जैसे कि टू एक्स इक्वल टू कितना जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू क्या होता है जीरो। अब मैट्रिक्स में भी समझो जैसे मैट्रिक्स 2x2 का है, ठीक है जीरो 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 जीरो, अब ये क्या कहते हैं 2a, तो a कितना इस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 का सब में डिवाइड होगा 0.2 0.2 0.2 0.2 वो भी क्या होगा जीरो जीरो। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है नल मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स सही ऑप्शन होगा इसका।